डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन इमरान को धमकाने के केस की समाअत हुई। फवाद चौधरी को दो रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत में पहुंचाया गया। इस मौका पर अदालत के बाहर पुलिस की बारी नफरी तैनात की गई थी। फवाद चौधरी की पेशी पर पीटीआई रहनुमा और कारकुनान अदालत पहुंचे। पुलिस ने जुल्फी बुखारी और सहाफियों को अदालत जाने से रोक दिया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने अदालत में बयान दिया कि उन्होंने जो बयान दिया वो इनकी जमात का मौकफ है। कमरा अदालत में रोस्ट्रम पर बयान देते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए जदोजहद कर रहे हैं, हम हक सच बात करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ का तर्जमान हूं और जरूरी नहीं मेरी अपनी राय हो, मैंने अपनी जमात की तर्जमानी करनी है, जो मैंने बयान दिया वो मेरी जमात का मौकफ है। फवाद चौधरी ने अदालत को बताया कि मुझे इस्लामाबाद पुलिस ने नहीं लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार किया, मेरा मोबाइल फोन पुलिस के पास है, लिहाजा मेरी सिम बंद की जाए। अदालत ने समाअत के दौरान फवाद चौधरी को इनकी फैमिली से मिलने की भी इजाजत दी। फवाद चौधरी की अदालत में पेशी के मौके पर इनकी अहलिया हिब्बा चौधरी की पुलिस से तकरार हो गई। पुलिस फवाद चौधरी को हथकड़ी लगाकर इनके ऊपर चादर डाल कर अदालत लगाई, जिस पर हिब्बा चौधरी ने अहलकारों से तकरार करते हुए कहा कि मेरे खावन के ऊपर से चादर हटाई जाए। उन्होंने कहा कि मेरे खावन को मजीद रिमांड पर भेजा गया तो हम एहतजाज करेंगे, फवाद चौधरी को जेल भेजा गया तो मुल्क गैर एहतजाज होगा।